धार जिले में मौजूद कारम नदी पर बने डैम से पानी रिसने की घटना पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मामले में कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। एक तरफ जहां कारम नदी पर बने डैम से पानी रिसने के बाद हाहाकार मचा हुआ है, वहीं प्रशासन और सरकार मिलकर यहां लगातार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं और यहां रहने वालों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच इस मामले में कांग्रेस के नेता लगातार सरकार पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस मामले में ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के सचिव राकेश सिंह यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि करीब 303 करोड़ के प्रोजेक्ट में 100 करोड़ से अधिक की राशि लग चुकी है, लेकिन इसके निर्माण की गुणवत्ता में किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका उदाहरण शुक्रवार को देखने को मिला है। राकेश सिंह ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए लापरवाही बरतने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। देखिए, कारम नदी पर 303 करोड़ की लागत से योजना बनी, 100 करोड़ से ज्यादा उसमें इन्वेस्ट कर दिए गए कि वो डैम पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, 11 गांव खाली करा लिए गए हैं और ये एक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा पैमाना है कि जिसकी अगर जांच की जाए तो अनेक लोग जेल के अंदर होंगे, यहाँ तक कि मंत्री से लेकर ऊपर तक के जो सचिव रहे हैं वो भी सब इसमें फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं उसको दबाने के लिए, उसको बहुत हल्के में लेने के लिए लोगों को झूठ बोला जा रहा, बरगलाया जा रहा और मौके पर यह मुनादी कराई जा रही है कि आप गांव छोड़ दें, घर छोड़ दें। जितना करोड़ों का नुकसान होगा, घरों का, लोगों के व्यापार का, जानवरों का और खेती का, वो सारा मुआवजा मुख्यमंत्री और शिवराज सरकार को देना चाहिए और वो जो कंपनी है उसके सभी डायरेक्टर को रेड अलर्ट नोटिस जारी कर उनके पासपोर्ट जब्त करना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए गैर निर्धारण हत्या के अपराध में। कांग्रेस की ओर से इस भ्रष्टाचार को लेकर किसी तरह की कोई चिट्ठी लिखी जाएगी? नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस इसमें बहुत सख्त से सख्त रवैया अपनाएगी, क्योंकि इतने लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अनेक लोगों का जीवन समाप्त होने की कगार पर है, लोग भागते फिर रहे हैं और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं वो राखी मना रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि वहाँ कई लोगों की जान जाने की कगार पर है। वहाँ पहुँच के उनको उनकी रक्षा करना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग करना चाहिए, उसके बजाय मुख्यमंत्री जी भोपाल में रक्षाबंधन मना रहे हैं, बच्चों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं, इंदौर में तिरंगा यात्रा निकालने आ रहे हैं। उनको वहाँ जाने का समय नहीं है जहाँ लोगों की जान संकट में है।